हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को सजग करने के लिए दिल्ली से आए बाइकर्स का एक दल हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों का दौरा कर रहा है ताकि यहां की खूबसूरती और स्वच्छता को बनाए रखने में पर्यटक मदद करें। इसके साथ दिल्ली ल्यूटेंस BMW मोटर राइड के सुपर बाइक राइडर्स का ये दल हिमाचल में बाइक टूर को भी बढ़ावा देगा। बाइकर्स के दल ने बताया कि हिमाचल की खूबसूरत वादियां, यहां की सर्पीली सड़कें पर्यटन को नई दिशा दे सकती हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर बाइक पर सवार होकर वे हिमाचल पहुंचे हैं तो उनकी थकान सुंदर वादियों को देखकर अपने आप ही दूर हो गई। उन्होंने बताया कि बाहर से आने वाले बाइकर्स पर्यटकों के लिए यहाँ वादियाँ स्वर्ग समान हैं। उन्हें नजदीक में खुलकर प्रकृति को निहारने का मौका मिलता है। उन्होंने बताया कि वे जहाँ बाइकर्स पर्यटन को उत्साहित करने का भी प्रयास करेंगे। वहीं पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यटकों से जगह जगह रुककर अपील भी कर रहे हैं ताकि हिमाचल की खूबसूरती को पर्यटक नुकसान न पहुँचाएं। उन्होंने बताया कि केयर माई टूर की ओर से आयोजित ये टूर काफी रोमांचकारी और साहसिक भी रहा है। अंशुल ने बताया कि वे दिल्ली से बाइक पर यहां पहुंचे हैं। उनका मुख्य मकसद हिमालय में टूरिज्म को प्रमोट करना और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत करना है। इससे पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा और सफाई भी रहेगी। टीम लीडर गुरप्रीत ओब्राय ने बताया कि ल्यूटेंस BMW मोटर राइड के सुपर बाइक राइडर्स का ये दल टूर पर निकला है। उनका मकसद हिमालय में बाइक टूर को प्रमोट करना है। वे जानते हैं कि टूरिज्म का यहाँ कितना महत्व है, लेकिन यहाँ के पर्यावरण और स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए वे बाहर से आने वाले पर्यटकों को जागरूक कर रहे हैं। देश की पहली ई विधान प्रणाली से लेस हिमाचल विधानसभा पूरी तरह से पेपरलेस होने की तरफ आगे बढ़ रही है। हिमाचल विधानसभा के हर क्षेत्र को भी ई विधान से जोड़ा गया है, लेकिन अभी भी अधिकारी व विधानसभा क्षेत्र में कैप है, जिसको पूरा करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल व मुख्य सचिव BK अग्रवाल सहित आला अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गयी, जिसमे ई मैनेजमेंट कमेटी में जो खामियां आ रही हैं उसको दूर किया जाए उस पर चर्चा की गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में ई कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रबंधन बहुत मददगार साबित हो रहा है। 18 कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये काम शुरू हुआ है, लेकिन तालमेल की कमी के चलते कुछ दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए विभिन्न विभागों के मुख्य सचिवों व आला अधिकारियों को बुलाया गया है ताकि आपसी सामंजस्य बना रहे। इसके अलावा सभी जरूरी कार्य भी ऑनलाइन किया जाएगा। कार्यालय से सभी सवाल जवाब भी मेल से भेजे जाएंगे, जिससे कागजों का सारा झंझट खत्म हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव BK अग्रवाल ने कहा कि कुमारहट्टी हादसे में सरकारी एजेंसियां और NDRF ने बेहतरीन कार्य किया है। उन्होंने लोगों की जान बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सुनी और पंचकुला से NDRF का रिस्पांस टाइम संतोषजनक रहा है। इस मामले को लेकर न्यायिक जांच के आदेश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब बरसात के मौसम में सड़कों और संवेदनशील क्षेत्रों में PW विभाग के साथ पुलिस भी निगरानी करेगी। हिमाचल प्रदेश के ऊना में ऑनलाइन ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का
भंडाफोड़ किया है, जो मासूम लोगों को ऑनलाइन तरीका बीमा पॉलिसी में ज्यादा फायदे का लालच देकर ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाता था। ऊना पुलिस ने देश की राजधानी दिल्ली से इस गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बीमा पॉलिसी के ऑनलाइन ठगी द्वारा लगभग 27 लाख रुपए ठगे जाने के एक मामले में ये गिरफ्तारी की है। पुलिस की माने तो ये गिरोह बेहद शातिर तरीके से मासूम और निर्दोष लोगों को अपनी ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाता था। ये ऐसे लोगों को अपने जाल में फंसाता था जो पढ़े लिखे तो होते थे, लेकिन उन्हें इंटरनेट या ऑनलाइन की अधिक जानकारी नहीं होती थी और जो आसानी से उनके बिछाए जाल में फंस सके। पुलिस की माने तो ये गिरोह देश की राजधानी दिल्ली से संचालित किया जाता था। पुलिस के अनुसार ये गिरोह फर्जी डॉक्यूमेंट के माध्यम से खुलवाए गए बैंक अकाउंट का प्रयोग किया करता था और शिकार लोगों द्वारा उसमें पैसा जमा करवाने के बाद अलग अलग स्थानों से एटीएम के माध्यम से गिरोह के अलग अलग लोग उसे निकालते थे, जबकि कभी कभी गिरोह के लोग पैसा निकलवाने के लिए चेक का भी प्रयोग किया करते थे। पुलिस ने अपनी जाँच में पाया कि ये सारे बैंक अकाउंट जाली दस्तावेज के आधार पर खुलवाए गए हैं और इन दस्तावेजों में प्रयोग किए गए तमाम नाम और पते फर्जी निकले हैं। फिलहाल पुलिस ने दिल्ली के सीमापुरी और पहाड़गंज से गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस का ये भी दावा है कि इस मामले में अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। हालांकि ये जांच में स्पष्ट होगा कि जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनमें गिरोह का मास्टरमाइंड भी शामिल है या फिर मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
अगर समय पर जिला प्रशासन ने महिला की शिकायत पर गौर किया होता तो शायद कुम्हारहट्टी में हुई इस भयानक घटना को टाला जा सकता था, क्योंकि दुर्घटना स्थल के साथ बने निजी होटल की मालकिन ने पिछले वर्ष वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण विभाग, टीसीपी और जिला के आला अधिकारियों को ये शिकायत दर्ज की थी कि भवन निर्माणकर्ता नियमों को ताक पर रख कर भवन का निर्माण करवा रहा है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने उनकी शिकायत पर कोई गौर नहीं किया और उसका नतीजा पिछले कल देखने को मिला, जिसमें भवन गिरने से 14 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आपको बता दें कि सोलन कसौली में अवैध निर्माण धड़ल्ले से हो रहा है, जिस पर हाई कोर्ट के संज्ञान के बाद कार्रवाई अमल में लाई गई थी और सबसे पहले कसौली के अवैध होटल तोड़ने के आदेश हुए थे। जब ये कार्रवाई 2 वर्ष पूर्व कसौली में अमल में लाई जा रही थी, तब एक होटल मालिक ने महिला अधिकारी और बेलदार को गोली मार कर मौत की नींद सुला दिया था। उसका अपराधी अभी भी सजा काट रहा है। ये तभी होता है जब अधिकारी अवैध निर्माण पर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, और जो इस तरह की त्रासदियों का रास्ता भी भ्रष्टाचार से होकर जाता है, इसलिए उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए जिनके कार्यकाल में ये अवैध निर्माण होते हैं। देश की पहली ई विधान प्रणाली से लैस हिमाचल विधानसभा पूरी तरह से पेपरलेस होने की तरफ आगे बढ़ रही है। हिमाचल विधानसभा के हर क्षेत्र को भी ई विधान से जोड़ा गया है, लेकिन अभी भी अधिकारी व विधानसभा क्षेत्र में कैप है, जिसको पूरा करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल व मुख्य सचिव बीके अग्रवाल सहित आला अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें ई मैनेजमेंट कमेटी में जो खामियां आ रही हैं उसको दूर किया जाए, उस पर चर्चा की गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में ई कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रबंधन बहुत मददगार साबित हो रहा है। 18 कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये काम शुरू हुआ है, लेकिन तालमेल की कमी के चलते कुछ दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए विभिन्न विभागों के मुख्य सचिवों व आला अधिकारियों को बुलाया गया है ताकि आपसी सामंजस्य बना रहे। इसके अलावा सभी जरूरी कार्य भी ऑनलाइन किया जाएगा। कार्यालय से सभी सवाल जवाब भी मेल से भेजे जाएंगे, जिससे कागजों का सारा झंझट खत्म हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के ऊना में वन विभाग ने जंगल में आग लगने की घटनाओं पर 90% तक काबू पाने का दावा किया है। विभाग ने 2 तरीकों से ये कामयाबी हासिल करने में विशेष रूप से 2 अहम उपायों को अपनी सफलता का मंत्र बताया है। विभाग की माने तो पहले नायब उपाय में वन मंत्रालय द्वारा देहरादून में लगाए गए सैटेलाइट से पूरे देश की तर्ज पर ऊना जिले के जंगलों पर भी नजर रखी जाती है। और आग लगने पर कर्मचारियों को मिलने वाले एसएमएस के बाद तेजी से उस आग पर काबू पाया जाता है। विभाग का दावा है कि देश भर में जंगलों में लगभग 99% आग लगने की घटनाएं निजी भूमि पर लगे वनों में लोगों द्वारा आग लगाने से होती है, इसलिए दूसरे बेहद कारगर तरीके में निजी भूमि पर वन में भी बिना अनुमति आग लगाए जाने पर भी जुर्माने को 5,000 रुपए से बढ़ाकर प्रति कनाल यानी 1,80,000 प्रति हेक्टेयर किया गया, जिसका असर ये हुआ कि लोग अब आग लगाने से पहले विभाग की अनुमति लेते हैं और इससे आग लगने की घटनाओं में आश्चर्यजनक रूप से कमी आई है। विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में पिछले 10 सालों के मुकाबले 90% कमी का दावा करते हुए केवल 45,000 के नुकसान का अनुमान लगाया है। हमीरपुर में आए दिन बिजली की आंख मिचौली के चलते लोगों की खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं आज सुबह तेज बारिश के बीच पूरी बाजार में सुबह 8 बजे से बिजली गुल रहने से भी लोगों की दिनचर्या के कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। हमीरपुर के सुगम केंद्र के साथ साथ लोक मित्र केंद्र में काम करवाने आए हुए लोगों को बिजली न होने के कारण दोपहर बाद तक परेशानी झेलनी पड़ी। इस तरह बिजली विभाग की कारगुजारी के चलते लोगों में गहरा रोष पनपा हुआ है।
कहीं बिजली नहीं होने से पूरे बाजार में भी दुकानदार अंधेरे में ही काम निपटाने के लिए मजबूर रहे। लोक मित्र केंद्र में काम करवाने के लिए पहुंची महिला ने बताया कि सुबह से बिजली नहीं आई है और ना ही कोई काम हो पाया है। उन्होंने बताया कि बिना बिजली के लोक मित्र में कोई भी काम नहीं हुआ है। लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि बिजली के आए दिन कुल रहने की समस्या से निजात दिलाई जाए। युवक ने बताया कि आधार कार्ड अपडेट करवाने आए हुए हैं, लेकिन बिजली नहीं होने से दिक्कतें पेश आई हैं। उन्होंने बताया कि सुबह 9:30 बजे तक बिना बिजली के बैठे हुए हैं और दोपहर 12 बजे तक लाइट भी नहीं आई है। डीसी कार्यालय के साथ लगते लोक मित्र केंद्र के संचालक ने बताया कि सुबह से ही बिजली नहीं आई है और लोक मित्र में लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। उन्होंने बताया कि सप्ताह में 1-2 बार बिजली कई घंटों तक गुल रहती है, जिसके कारण पूरा कामकाज प्रभावित होता है और लोगों को काम करवाने के लिए भी दिक्कतें पेश आती हैं। सुजानपुर टिहरा में बीते 2 दिनों से भारी बारिश होने के कारण मौसम कुल हो गया है। लोगों ने बीती रात को अपने घरों के पंखे भी बंद कर दिए हैं, जिसके कारण बीते 3 दिनों में लगातार बारिश होने के कारण मौसम में परिवर्तन हो गया है। वहीं बरसात के कारण लोगों ने घरों से निकलना भी बंद कर दिया है, जिसके चलते व्यापारियों की मंदी की मार से जूझना पड़ रहा है। वहीं लोग भारी बरसात के कारण जरूरत की चीजों को ही लेने के लिए बाजार आ रहे हैं। वहीं भारी बरसात के चलते लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने के लिए ही गलियों में जमा पानी का निकास न होने के कारण लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है।